स्वागत है दोस्तों छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में। तो इस समय की बड़ी घटना सामने आई है, पूर्व एफओएस ऑफिसर और उनकी पत्नी ने की खुदकुशी। मूलतः जांजगीर के रहने वाले ओगरे का निवास इस समय दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी में था। पूर्व एफओएस अधिकारी अजयपाल ओगरे और उनकी पत्नी मोनिका बंजारे ने जहर पीकर आत्महत्या की है। अजयपाल ओगरे मूल रूप से जांजगीर चांपा के रहने वाले थे। उनका घर बलोदा जांजगीर के वार्ड नंबर 2 में है, जहां उनके पिता शिवपाल ओगरे और भाई लोकपाल रहते हैं। नई दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी इलाके के होटको पैलेस की पूरी घटना है। जानकारी के मुताबिक अजयपाल ओगरे ने बुधवार देर रात जहर पी लिए थे। पत्नी मोनिका अपने कमरे में गई तो उन्होंने देखा कि पति बेसुध जमीन पर पड़े हुए हैं और उनके मुंह से झाग निकल रहा है। इसे देखकर मोनिका घबरा गई और तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर गई। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद गुरुवार सुबह मोनिका पति की मौत से सदमे में थी। उन्होंने भी कमरा बंद करके जहर पी लिया, जिससे उनकी भी मौत हो गई। पुलिस ने कुछ समय बाद जब उनके कमरे का दरवाजा खुलवाना चाहा, तो अंदर से कोई आवाज नहीं आई। इसके बाद जब कमरे का दरवाजा तोड़ा तो देखा कि मोनिका भी फर्श पर पड़ी हुई है और उसके मुंह से झाग निकल रहा है। पुलिस उसे लेकर सफदरजंग अस्पताल गई, लेकिन डॉक्टरों ने उसे भी मृत घोषित कर दिया। फिलहाल आत्महत्या की वजहों का पता नहीं चल पाया है। अजयपाल ओगरे के परिजन शुक्रवार ओगरे बात करते हुए भावुक हो गए। उन्होंने कहा, खुदकुशी क्यों किया, इसकी किसी को कोई जानकारी नहीं है। घर के लोग दिल्ली चले गए हैं, उनके आने के बाद ही पता चलेगा। दोनों का शव शुक्रवार को बलौदा लाया जाएगा, जहां अंतिम संस्कार किया जाएगा। दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए सफदरजंग अस्पताल दिल्ली में रखा गया है। अजय के छोटे भाई लोकपाल ओगरे दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। अजयपाल ने एफओएस से हाल ही में वीआरएस ले लिया था। फिलहाल वे जोरबाग मेट्रो स्टेशन के पास डीजीसीए सेल में ऑपरेशन अधिकारी थे। अजय के पिता शिवराम ओगरे राज्य परिवहन में पदस्थ थे। रिटायरमेंट के बाद उनका स्वास्थ्य खराब है। अजय के माता का भी स्वास्थ्य खराब रहता है।